अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग पर सलामती हो, आप लोग बर्ड्स पर सलामती हो, आप लोग ठीक रहे हैं, आप लोग के बर्ड्स ठीक रहे हैं। तो दोस्तों आज का जो सा वीडियो का टॉपिक है वो हमारे रिंगनेक के ऊपर है, और आज हम इसमें डिटेल में बात वो ये करेंगे कि हमने रिंगनेक का मतलब फास्ट पेयरिंग कैसे जल्दी पेयर लगाना है। तो इनके बारे में आज पॉइंट कुछ डिस्कस करेंगे और आप लोगों के साथ इनकी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो बगैर किसी वक्त ज़ाया किए आप लोगों के साथ इनके फास्ट पेयरिंग लगाने का, रिंग नेक का, काठों का पेयर लगाने का तरीका बताते हैं। पेयरिंग के लिए आपने जो सा मतलब अब अपने मेल कहीं अलहदा, अगर आपने एक सिंगल पेयर ले रहे हैं या दो पेयर ले रहे हैं तो मेल आप अलहदा शॉप से लें, फीमेल आप अलहदा शॉप से लें, ठीक है। ये आपने जब ले लिए हैं तो अब आपने जिस केज के अंदर ब्रीडिंग लेनी है, ठीक है, अब जिस तरह मेरे पीछे आप केज देख रहे होंगे, इसके अंदर जिस तरह मैंने इस केज के अंदर ब्रीडिंग लेनी है, इसके अंदर आप मेल छोड़ें और एक केज ले लें अलहदा, ठीक है, उसके अंदर फीमेल छोड़ें। केज भी इतना छोटा ना हो कि फीमेल उसके अंदर मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब हो जाए, उसका भी आपने उसके केज का भी ख्याल रखना है। तो उसके भी और खुराक भी पूरी डाइट देनी है, ठीक है। तो उसको आपने उसके साथ अटैच कर देना है तकरीबन वन वीक, फॉर वन वीक आपने जब उनका केज आपस में जोड़ देना है, और कोशिश करें कि दोनों के जो से केज के अंदर है ना कोई ज्यादा स्टिक्स ना लगी हो, मतलब एक स्टिक लगी हो और ऐसे मतलब टॉयज ना लगे हो, या कोई ऐसी चीज ना हो जिनका उनके अंदर दूसरों के चीज के अंदर इंटरेस्ट बढ़े, या दूसरी चीज के अंदर इंटरेस्ट वो ले रहे हो, ठीक है, वो ना हो केज के अंदर। आपने इन दोनों केज आपस में रखना है, वो एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्शन होगी, एक दूसरे को देखेंगे तो उनमें इंटरेस्ट एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए वो ज्यादा उनके उनका जल्दी पेयर लगने का चांस होगा, रिंग नेक मतलब एक दूसरे का, जब एक दूसरे को देखेंगे और एक दूसरे से बात वगैरह और एक दूसरे में इंटरेस्ट लेंगे। इसी तरह आपने एक महीने एक हफ्ते के बाद उसको फीमेल को उस केज के अंदर छोड़ देना है, और देखना है उन दोनों का बिहेवियर आपस में कैसा है, ठीक है। अक्सर होता है कि फीमेल जब अडल्ट होती है काफ़ी अग्रेशन में होती है, या ब्रीडिंग के अंदर या हीट के अंदर, तो मेल को मार देती है गुस्से के अंदर, आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, वो मेल को कहीं ज़ख्मी ना कर दे अक्सर, या बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर देती है, या इस हद तक बाद नौबत पहुँच जाती है कि मेल आपका एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों का भी बहुत ख्याल रखना है, मतलब जब पेयर आपने फीमेल छोड़ दी, जब आप देखें अच्छा इन दोनों के अंदर मतलब काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है, उसके बाद आपने इनका ब्रीडिंग बॉक्स लगाना है। ये एक बहुत फास्ट तरीका है रिंग नेक के अंदर पेयर लगाने का। अब हम बात करते हैं कलोनी के अंदर, कलोनी के अंदर जो से हैं आपके, जिस तरह बजिस के अंदर भी पॉइंट डिस्कस कर चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो के अंदर, पट्ठे छोड़ दें जो उनसे मतलब बनते जाएंगे, आप उनको मतलब उनका एक टाइम आएगा तो आप उनको अलहदा करते जाएं पेयर्स को, और उनका कलोनी में ब्रीड ले लें, या अलहदा केज में लेना चाहिए उस तरह ले लें, ठीक है। या अडल्ट की कलोनी है तो अडल्ट के अंदर छोड़ दें, और आप अलहदा अलहदा जो पेयर बनते जाएं और उनको अलग करते जाएं कलोनी में, मतलब इस तरीके से आप मतलब ज़्यादा क्वान्टिटी में इस तरीके से फास्ट पेयरिंग कर सकते हैं। ये तो अब मैंने आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर कर लिए इनके फास्ट पेयरिंग करने का। अच्छा, अब सबसे जाबराना तरीका जो उनसे ब्रीडर करते हैं इनके साथ वो ये है कि जो उनसे मेल है, आपने जिस तरह यहाँ पे है मेरे पास मेल इस केज के अंदर मैंने जिस तरह रख दिया, मिसाल दे रहा हूँ फॉर अवेयरनेस, मैं नहीं करता, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी वीडियो सीख चुका हूँ और अपने तोतों के साथ अभी जुल्म नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल ब्रीडर इस केज के अंदर रखेंगे मेल को, फीमेल को किसी दूसरे कमरे में रख देंगे, या ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पे एक दूसरे को ये नजर ना आए और आवाज़ एक दूसरे से आती हो, और ये मतलब और उस मेल के पास कोई दूसरा तोता भी ना हो, मतलब कोई दूसरी नस्ल का भी ना हो, ना दूसरी किस्म का, और वो अकेला तन्हाई के शिकार हो जाए, और जब वो मेंटली मतलब डिसेबल हो जाता है, फिर मतलब तन्हाई का शिकार हो जाता है, तो उसको फीमेल फिर वो कुछ अरसे बाद ला के देते हैं, जिससे वो बेचारा फौरन उस फीमेल को एक्सेप्ट कर लेता है, और फीमेल भी अक्सर एग्रेसिव हो जाती है, या वो भी तन्हाई का शिकार हो जाती है तो वो भी पेयर बना लेती है, ज़्यादा एग्रेसिव में होके वो मेल को मार देती है, ठीक है। तो ये मतलब सबसे जाबराना तरीका इस्तेमाल करते हैं ब्रीडर जोन से होते हैं, ठीक है। तो आज का जोन से दोस्तों और मेरा यही टॉपिक था रिंग नेक के ऊपर के कैसे फास्ट पेयरिंग करनी है। तो दोस्तों मेरी वीडियो का ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट में बताया करें, नीचे जोन से कमेंट बॉक्स है उसमें मेरे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया करें, मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप लोगों को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करते रहा करें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को आप मज़ीद देखें नेक्स्ट अच्छी वीडियो या अच्छी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।